अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमेरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही आउट क्लास किस्म की रेसिपी बनने जा रही है। आज हम बनाएंगे हेन्स की टोमेटो केचप, वो भी घर में। इकोनॉमिकल बिल्कुल पड़ेगी ये, घर में आपको चंद इन्ग्रीडियंट से बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। सेकेंडली, प्रिजर्वेटिव्स इसमें बहुत कम डालते हैं, तो शेल्फ लाइफ इसकी थोड़ी सी कम होती है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए बेहतरीन केचप घर में, बिल्कुल हेन स्टाइल की। आई एम श्योर यू विल लव द रेसिपी। आए आपको जल्दी से बताते हैं कि केचप बनाने के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर मेरे पास है 2.5 kg, 2.5 किलो टमाटर, जिनको हमने रफली काट लिया है, बीन्स के साथ, छिलकों के साथ, हर चीज़ के साथ। इसको हम बॉईल करेंगे, इसको हमें बॉईल करना है 30 मिनट्स के लिए। तो हम सबसे पहले इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टी स्पून, सॉल्ट मेरे पास है 1 टी स्पून, रेड चिली पाउडर मेरे पास है 1 टी स्पून, एंड यहाँ पर मेरे पास है पिंच ऑफ रेड कलर, जस्ट पिंच, इतना खूबसूरत इससे कलर आएगा। और 1 पाव चीनी है मेरे पास, ठीक है। और सिरका इसमें जाएगा 1/2 कप। सिरका और चीनी जो है ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगी इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले टोमेटोज को एक अपने पैन में डाल के और 30 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। एक पैन में हम ये 2.5 किलो टमाटर डाल लें, विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी सीजनिंग, कुछ भी नहीं। और ये 1/2 घंटे के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। हम इसको कैसे बॉईल करेंगे? ढक कर बॉईल, बस आराम से। अब ये 30 मिनट्स के लिए बॉईल होगा, अब आपको हम बताएंगे 30 मिनट्स के बाद। मिलते हैं आपसे 1/2 घंटे में। इसको ये देखें, बगैर पानी के हमने इसको इतने अच्छे से बॉईल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर आप ब्लेंडर में आपको इसको ब्लेंड करना है ना, तो आप इसको ठंडा करके ब्लेंड करना, ठीक है। लेकिन मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब हम इसको स्ट्रेनर में पूरा छानेंगे और ये जो भी एक्सेस सारे बीन्स छिलके हैं ये सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसको स्ट्रेन करेंगे, फाइन स्ट्रेनर प्लास्टिक का लेना आप, ठीक है। और जो भी इसका एक्सेस बचेगा वो सब ट्रैश है। स्ट्रेनर हैज टू बी प्लास्टिक, टमाटर उसे अच्छे से छनेंगे। ये देखें, ये जितने बीन्स, ये सारा कुछ है, ये सब डिस्कार्ड हो जाएगा। ये आप देखो केचप का हमारा टेक्सचर। ठीक है, इसी तरह से अब ये मैं पूरा स्ट्रेन करूंगी। ये सारा हो गया है, इसको मैंने रिंस करवा लिया था अपने पैन को, ताकि हम इसी पैन में ये केचप को अब सारी जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं, सीजनिंग्स, शुगर, सब कुछ, कलर डाल के, और फिर अब हम इसको कुक करेंगे फॉर 15 मिनट्स। ये 2.5 किलो में देखो आप इतनी बन जाती है। जब टमाटर सस्ते होते हैं तो आप एक साथ 5 किलो, 10 किलो, जितना दिल चाहे आप बना के रख सकते हैं। ये रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सिरका इसमें जा रहा है 1/2 कप, वाइट विनेगर ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और शुगर 1 कप शुगर, और इसमें सॉल्ट जा रहा है 1 टीस्पून। इसकी मैं आपको बताती हूँ कि तैयारी पर क्या होगा, और अगर आपको नमक, चीनी या लाल मिर्ची कम ज़्यादा लगे तो क्या आप करोगे। ये रेड कलर है, पिंच से कलर बहुत प्यारा आता है, आप ना भी डालो लेकिन एक बिल्कुल वो हेन्स वाला बाजार का कलर आएगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, दैट्स इट। ये अब आप देखो, ये सारी चीज़ों को अब हम
चूल्हे पर रखकर और कुक करेंगे। इसका कुकिंग टाइम इतना होगा कि ये बहुत अच्छे से थिक हो जाए और इसमें जब तैयारी पर होती है ना तो केचप में बबल्स आने लगेंगे। जब ये तैयारी पर आएगी ना तो ये बहुत ज़्यादा जब बबल्स आएंगे बॉईल होगा तो ये सारे स्प्लैश होगा, तो आपका किचन वगैरह काउंटर वगैरह मेस हो सकता है। सो ट्राई टू टेक अ स्लाइटली डीपर पॉट। देखो आप कलर माशाल्लाह ऑलरेडी कितना अच्छा आ गया। चलते हैं दोबारा अपनी स्टोव की तरफ और इसको अब रखते हैं कुकिंग के लिए। इसको अब हम रख रहे हैं कुकिंग के लिए। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर से इसको बताती हूँ। अभी तो उसको टाइम लगेगा, आराम से 15-20 मिनट्स इसको लगेंगे। अभी ये बहुत पतली है, लेकिन ये अभी भी पतली है, इसको अभी भी कुकिंग है टाइम, इसको आराम से 10 मिनट्स लगेंगे। बट देखो आप आहिस्ते आहिस्ते इस पर बबल्स आने लगे हैं और ये थोड़ी सी टूवर्ड्स द थिकनेस जा रही है। आप कलर देखो माशाल्लाह कितना इसका प्यारा आया है। ये देखें, अच्छा केचप जो है ना वो थोड़ी सी ठंडी होके भी गाढ़ी होती है, ठीक है। अब ये देख रहे हो ये बबल्स। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये छींटे आप पर भी नहीं उड़ने चाहिए। एंड आपको इसीलिए मैंने कहा था कि डीप पैन लेना सो दैट ये सारे इधर आसपास नहीं उड़ेंगे। छोटा बर्तन होगा ना ये पूरे हर जगह स्प्लैश होगा। एंड बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल विथ योर हैंड्स प्लीज। बस आई थिंक अनदर 2-3 मिनट्स ये आराम से हो गई। ये आप देखो, ये देखो, और ये अभी ठंडी होके गाढ़ी होगी। हाउ विल यू नो केचप रेडी है? ये देखें, ये रेडी हो गई है। अब आप इसको दोबारा एक दफ़ा देखो, इसका क्लोजअप अगर आप देख रहे हो कि दिस मीन्स योर केचप इज़ रेडी। ये जो बबल्स आने लगेंगे, अब मैं इसका कर रही हूँ चूल्हा बंद। 7-8 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ सो दैट हल्का सा ये रूम टेम्परेचर पे आए। फिर हम इसकी बॉटल भरें, आप बॉक्स भरें, जार भरें, जिस तरह आपका दिल चाहता है आप इसको भर सकते। एक चेंज आप सिर्फ अपने उस पर लिख लो कि कलर मैंने आपको रेड कलर बोला था ना, सो ऑफकोर्स रेड ही है बट तंदूरी रेड कलर। थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आई है, अभी भी ये ठंडी नहीं है लेकिन मैं आपको भर के दिखा रही हूँ। आप इसको फनल के थ्रू भरेंगे। बॉटल्स आपकी ग्लास की होनी चाहिए एंड दीज बॉटल्स नीड टू बी स्टेरिलाइज। अगर ये स्टेरिलाइज नहीं होगी तो केचप आपकी ख़राब हो जाएगी। इन छोटी छोटी चीज़ों से जो आपका शेल्फ लाइफ होती है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। तो ऑफकोर्स अगर आपको इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द क्लिनलीनेस विद द हाइजीन। मैंने आपको उसके शो में भी बताया था, चार चटनी के शो में भी, कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी क्लिनलीनेस हो गई, हाइजीन हो गई, बॉटल्स अच्छे से अच्छा स्टेरिलाइज। अब आप कहोगे व्हाट इज़ स्टेरिलाइज? स्टेरिलाइज आप किस तरह करोगे? आप अपनी इस तरह की ग्लास की बॉटल्स को या जार्स छोटे जिसमें भी आपको भरना है आप इसको अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद देर आर टू ऑप्शंस, या तो आप अवन को प्री हीट करके अवन को बंद कर दें। रीहीट हो गया बंद करने के बाद और आपने बॉटल्स को ओवन में डाल दिया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है कि आपने बॉटल्स को धो के और इसी तरह के किसी बड़े पैन में पतीली में पानी डाला और पानी खोलता हुआ उबाला, चूल्हा बंद करके और फिर खोलते हुए पानी में आप अपनी बॉटल्स को 15 मिनट के लिए छोड़ दो। इसी तरह ओवन में यू कैन लीव इट फॉर 15 मिनट्स। ये आपकी बॉटल्स अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाएंगी। इस तरह से आपकी केचप वगैरह की चीज़ें जो होती हैं ये इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये हम सबकी फेवरेट केचप है, मैं आपको बताऊं, वी लव 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 दिस केचप। इस केचप के अलावा हमारे घर में कोई केचप नहीं खाई जाती। आप यकीन नहीं करेंगे बट जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा। तो फौरन इसको बनाएं, फौरन डब्बा भर के फ्रीज़र में भी आप रख सकते हो। 6 महीने भी ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होगी। जब चाहिए आपने इसी तरह से अपनी बॉटल में पनल के थ्रू रिफिल किया और जो बच गई वो अब जैसे ये बच गई ये फ्रीज़र में चली जाएगी। फिर ये बॉटल ख़त्म होगी, फिर मैं दोबारा से इसको उसमें निकाल दूंगी। इसको मैं ज़रा सा क्लीन कर लेती हूँ। राइस के साथ, केचप, किसी भी आप अपनी चीज़ों के साथ इसको। हम अब तो खैर टमाटर इतने एक्सपेंसिव हो गए, शुरू में तो जब ये सस्ते हुआ करते थे तो हम 10-15 किलो की पहले से रमज़ान से पहले बन जाती थी केचप। ये देखें आज की आपको हमारी जस्ट लाइक हेंज होममेड केचप अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी है, बाय द वे लिटरली मेरी गारंटी है, आप ये एक दफ़ा बनाएंगे और बच्चे बार बार बोलेंगे कि अब हमें यही केचप खानी है, बाहर की नहीं खानी। माई गारंटी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगली रेसिपी भी इसी तरह से ज़बरदस्त सी आने वाली है।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।